रोहित शर्मा हाल ही में विक्रम साथिल के साथ व्हाट द डक सीजन 2 में शामिल हुए। इस दौरान उन्होंने अपनी जिंदगी के कई पहलुओं के बारे में बातें की। इस दौरान रोहित ने कोलकाता के साथ अपने रिश्ते के बारे में बातचीत करते हुए कहा कि वे अक्सर वहां जाकर खेलना पसंद करते हैं। जिस तरह से लोग वहां क्रिकेट को पसंद करते हैं वे गजब है। लोगों के हुजूम की बात करें तो वांगेड़े और ईडेन में टाई होगा। उन्होंने बताया कि ईडेन गार्डन में उन्होंने अपने फर्स्ट क्लास टेस्ट क्रिकेट डेब्यू किया है। 2 IPL टाइटल इस मैदान पर जीते हैं। इसके अलावा 264 रनों की पारी के अलावा IPL का शतक यहां लगाया। रोहित ने कहा, कोलकाता ने मुझे बहुत सारी यादें दी हैं। मैं हमेशा पसंद करता हूं वहां जाना। 264 रन बनाने के पहले मुझे मेरी अंगुली में चोट लगी थी, जिसके कारण मैं करीब 3 महीने के लिए क्रिकेट से बाहर रहा था। श्रीलंका सीरीज के साथ मैं क्रिकेट में वापसी कर रहा था। मैच के पहले मैं अभ्यास कर रहा था। मैं लंबे समय के बाद मैच खेल रहा था, इसलिए मैं काफी नर्वस था। मैं सोच रहा था कि गेंद तेज आएंगी तो मैं कैसे पकड़ूंगा, कैसे थ्रो फेंकूंगा। मैं काफी नर्वस था। मैं ठीक से सो भी नहीं पाया और सोच रहा था कि क्या करूंगा। मैं अपने वीडियोज देख देख कर थक गया, क्योंकि मैं जब भी नर्वस होता हूँ अपने वीडियोज देखता हूँ। क्या क्या अच्छी चीज की है, मैंने अपने अच्छे शॉट्स देखने पसंद करता हूँ। मैच के दिन भी जब हम ग्राउंड से निकले वार्म अप करने गए तो मैं उम्मीद कर रहा था कि हम टॉस जीतें और फील्डिंग करें, क्योंकि अगर पहले बैटिंग करेंगे तो मैं ज्यादा नर्वस हो जाऊंगा। इसलिए मैं चाह रहा था कि मैं फील्डिंग पहले कर लूंगा तो गेम में आ जाऊंगा और मेरा ध्यान लग जाएगा, लेकिन वो हुआ ही नहीं। बैटिंग पहले आ गई